टोटल रेट बताओ भाई सबके कितने दोगे? 150 रुपया देगा। अगर ये देता है तो भाई मेरे को दे दे। भाई नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ो भाई। भाई बोल कैसे रहा यार, थोड़ा तेरे को डर नहीं लगता? थोड़ा तमीज में बोल ले भाई, तेरे से सामान लेने के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ पे डकैती करने आ रहे हैं हम? भाई सुबह से ऐसे मत्ता पच्ची हो रही है भाई, नहीं हो पाएगा, एक ही रेट है भाई। नहीं एक ही रेट है ठीक है भाई, तो फिर तू तमीज से बोलना भाई, यहाँ तेरे को मारने थोड़ा आ रहे हैं। भाई मैंने कितने कही है तो इसका रेट देख ले भाई, कोई सा भी उठा लो, 100 रुपए दाम। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली चोर बाजार। दिल्ली चोर बाजार जो लगती है जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने, तो मैं आज आपको वहाँ पे चोर मार्केट एक्सप्लोर करूँगा कि वहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। और बने रहे हैं मेरे साथ एंड तक। गाइस मैं आ चुका हूँ लोकेशन पर, गेट नंबर 2 जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने ये लगती है सारी मार्केट यहाँ पे, जिसको कहा जाता है चोर मार्केट। तो अभी मैं अंदर जाके ना आपको एक से एक चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि चोर मार्केट के अंदर क्या क्या सामान मिलता है। तो गाइस ये यहाँ पर एक से एक चप्पलें जो आपको शोरूम के अंदर मिलती थी 300, 400, 500 की, तो भैया इसका क्या प्राइस है? कोई सा भी उठा लो, 100 रुपये दाम। तो गाइस ये कोई सी भी अगर आप यहाँ पे आप चप्पल ले लो जिसका 100 रुपये दाम है ये। और ये बेल्ट का क्या प्राइस है? 100 रुपये, सबका 100 रुपये यहाँ पे। तो गाइस ये यहाँ पर एक से एक बेल्ट है जो आप देख रहे हो, 100 रुपये के अंदर है यहाँ पे बेल्ट। चप्पल भी 100 रुपये के अंदर है। गाइस ये यहाँ पे शूज मिल रहे हैं एडिडास, प्यूमा, नाइस, ये 300 रुपये के अंदर कोई सा भी उठा लो, 300 रुपये में एक से एक शूज है यहाँ पे। भैया इसका क्या प्राइस है डाटा केबल का? 30 रुपये। सारी ओके है डाटा केबल, इसका क्या प्राइस है भैया? 650 रुपये। इसमें कॉपी कौन सा है भैया? इसमें ये वाला, ये कॉपी है, कॉपी का क्या प्राइस है? गैस ये है कॉपी जिसका है 250 रुपये प्राइस। और ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल का क्या प्राइस है? 650। अच्छा इनका क्या प्राइस है हैंड फ्री का? ये 50 रुपये। और ये जो पड़ा आपका ये पावर बैंक, पावर बैंक 250 रुपये। और ये एयरपोर्ट 150 रुपये। और स्पीकर का भैया प्राइस? 350 रुपये। तो गैस ये मैंने आपको दिखा दिया है, एक कॉपी है और ये एक ओरिजिनल है। इसका क्या प्राइस है इसका भैया? इसका क्या प्राइस है? ये कौन सा कैमरा भैया? ये रील वाले हैं भाई जान। ये रील वाले, एक बार देख लो ये उठा के। क्या नाम है इसका? नहीं भाई कहाँ है मेरे पास। क्या प्राइस है भैया इसका? नंबर नहीं जा रहा भाई। है भैया क्या प्राइस बताया इसका? 3000, इसका 3500। अच्छा इसका 3000 है और इसका 3500 रुपये। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये वो है माइक है, ये टॉर्च है। टॉर्च का प्राइस है 1000 रुपीज। भैया इसका स्पीकर का JBL का 700 रुपये, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है गाइस। ये हैंड फ्री का क्या प्राइस है? हैंड फ्री का भैया हैं जी 400 रुपये। ठीक है गाइस जी यहाँ पर ये स्पीकर मिल रहा है भैया, ये वाला दिखाना, ये वाला एक बार। इसका क्या प्राइस है भैया? 800 रुपये। सारे वर्किंग है भैया? अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ओके भैया। तो गाइस ये आपका मतलब का सामान, यहाँ से स्पीकर लेना हो या कुछ भी लेना हो तो ये यहाँ से सारा सामान मिल सकता है 1500 रुपये का JBL का, बिल्कुल ओके है ये, ओरिजिनल है ये, पक्की बात है ओरिजिनल है 100%, लॉक कर दिया जाए। ठीक है भैया ओके। तो गाइस ये बिल्कुल मिल रहा है ओरिजिनल JBL का। ये क्या चीज़ है? कीबोर्ड। ये किस में लगता है भैया कीबोर्ड? ये भाई कंप्यूटर लैपटॉप का ही है, ये किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर लगा दो। क्या प्राइस है इसका? 850 रुपये। गाइस ये देख रहे हो आप, बिल्कुल बढ़िया सा दिख रहा है इसके अंदर ये। ये क्या चीज़ है भैया? ये रोलिंग मशीन है, रोलिंग मशीन है। क्या प्राइस है इसका? 450। अच्छा और ये इसका क्या प्राइस है अंकल जी? इसका 550 रुपये। अच्छा मतलब सारा सामान रखा भाई यहाँ पे। ये क्या चीज़ है भैया? ये ग्लव्स है। क्या प्राइस है इसका ग्लव्स का? 350 रुपये। और इसका क्या प्राइस है भैया? ये जो आपके पड़ा है डी लिंक का, ये राउटर 850 रुपये। ठीक है।
इसका क्या प्राइस है बैट का? कोई सा भी बैट उठा लो, 600 रुपए है। ये क्या चीज है? ये स्टिक है क्या? ये क्या है? व्हाइट कलर है, लटकने वाला। क्या प्राइस है इसका? 4.5। ये कितने का आंटी? ये डंबल क्या प्राइस है? डंबल, ये डंबल क्या प्राइस है? डंबल डंबल 700। क्या वेट है इसमें? वेट क्या लगा हुआ है इसमें? वेट क्या लगा हुआ है इसमें? 7.5। अच्छा, दो आएंगे 750 के, ठीक 1500 रुपए। कोई सा मर्जी उठा, 1500 रुपए के अंदर है। लेट हो जाएगा भाई, लेट हो जाएगा सबको। तो इसका क्या प्राइस है इसका? 1400 रुपए। 1400 रुपए में ये अल्फा बाउंस है भाई, स्टैंडर्ड आना वाला। अच्छा, अल्फा बाउंस है ये, एडिडास का, ठीक है भाई। बोला दिखा दे इस पैर का। क्या प्राइस है बेल्ट का? कोई सी बेल्ट ले लो, 100 रुपए। 100 रुपए से कोई कम? अगर दो बेल्ट लें तब 200 रुपए, 180 नहीं लगेगा? पक्की बात है? ठीक है भाई। तो गाइस, ये अगर कोई बेल्ट लेनी हो तो यहाँ पे 100 रुपए की बेल्ट है, जो आपको मार्केट के अंदर 150-200 रुपए की बेल्ट मिलती है यहाँ पे। क्या प्राइस है इसका स्पीकर का? इसका ये 700 रुपए। कोई सा भी ले लो, या सबके अलग अलग प्राइस है यहाँ? कोई सा भी ले लो। और ये मिक्स के क्या प्राइस है भैया? मिक्स के क्या प्राइस है? 400। और इसका हैंड ग्राइंडर का भैया? हैंड ग्राइंडर का क्या प्राइस है? 250 रुपए। तो ये क्राउड देख के ना कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि यहाँ भी लोगों को कोरोना का खौफ है। गाइस, ये पुलिस वाले ने यहाँ से बंद कर रखा है यहाँ से, तो आप यहाँ से एंटर नहीं कर सकते। जो यहाँ पर आईफोन वगैरह मिलते हैं, आईफोन सैमसंग के जो फ़ोन मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे बंदा मिल चुका है यहाँ पे आईफोन सैमसंग के लिए। भाई क्या रेट है इसका सैमसंग का? भाई सैमसंग S6 है भाई। चालू है भाई? हाँ भाई। चालू तो नहीं है ये, बंद है भाई? बिल्कुल चालू है, बैटरी खत्म हो रही है भाई। बैटरी खत्म हो रही है इसकी? अब पता कैसे चलेगा भाई ये चालू है, सही हालत में है, खराब हालत में? लेने वाले बनो, हम चालू करके दिखाएंगे। इसका क्या रेट है भाई एप्पल का? भाई ये 20,000 रुपए का। ये है कौन सा एप्पल का? XR है भाई, 128 GB। 128 GB? क्या रेट है भाई इसका दोबारा बोलना? 20,000 का भाई। ये भी चालू नहीं है, बंद है ये भी? भाई ऑल वर्किंग है, तुम लेगो जब चालू होके मिलेगा तुम्हें। इसका क्या है भाई? ये भाई आपको 700 रुपए का दे देंगे। ये भी बंद है भाई? सब सारे फोन बंद है भाई। इसके अंदर है खाली है? है। क्या रेट है भाई इसका? भाई 600 रुपए के। ये भी 600 रुपए? ये कौन सा सैमसंग का? ये S6 SG है भाई। फोन तो जबरदस्त लुक में है भाई, बिल्कुल टूटा नहीं पड़ा कहीं से भी। कुत्ते वाली हालत हो रही है फोन की, ठीक। क्या रेट बोला था भाई इसका? भाई 2000 का दे देंगे ये वाला मॉडल। ये 2000 का भाई? भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, हालत तो देख क्या हो रखी है इसकी भाई। इसका क्या प्राइस है भाई? ये रियलमी 6 है भाई। क्या प्राइस क्या है भाई इसका? भाई 6000 है। इसका 6000 रुपए? अच्छा भाई, इसका रेट बता दे एक एप्पल का। मैं ये ले जाऊंगा भाई, अगर उसको चालू हालत में देते मैं 20 दे दूंगा भाई तेरे को। और बोल, ये मेरे को पैसे देने वाले बनो। और इसका एक रेट बता दे भाई। बता दिया भाई, 600 रुपए। भाई अगर ये 6000 में देता मैं 6000 में ये ले लूंगा, और ये 250 रुपए में ये ले लूंगा भाई, और सैमसंग का फोन भी भाई मैं तेरे से ले लूंगा ये वाला 500 रुपए में। देख ले भाई, अगर ये देता है तो भाई मेरे को दे दे भाई। नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ो भाई। भाई बोल कैसे रहा यार, थोड़ा तमीज में बोल ले भाई। तेरे से सामान लेने के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ पे डकैती करने आ रहे हैं हम? भाई सुबह से ऐसे मत्ता पत्ती हो रही है भाई, नहीं हो पाएगा, एक ही रेट है भाई। नहीं एक ही रेट है, ठीक है भाई, तो फिर तू तमीज से बोलना भाई, यहाँ तेरे को मारने थोड़ा ना आ रहे हैं भाई। मैंने कितने का ये तो? इसका रेट देख ले भाई, अगर ये देता है तो मैं तेरे से अभी ले जाऊँ। अगर इसको चालू हालत में दे देगा, बिल भी दे देगा, तो भाई मैं तेरे से 20 में ले जाऊंगा ये वाला। बिल भी होता है 4000 में बैठो तो भाई मैं। चोरी का फोन है इसका मतलब? ये भाई ऐसे ही है। ये लेके कहाँ से आते हो तुम ऐसे फोन? भाई है अपने जुगाड़। देख ले भाई, अगर ये देता है तो भाई मैं तेरे से ये वाला फोन ले जाऊंगा मैं। 18000 लग जाएगा भाई लास्ट। भाई 18000 बहुत ज्यादा है, आप बताओ कितने दोगे भाई? इसके लास्ट 6000 रुपए दे पाऊंगा मैं। भाई नहीं हो पाएगा भाई, बोल दिया ना नहीं हो पाएगा भाई। भाई लास्ट दे दूंगा तेरे को इसके 7000 रुपए, 1000 रुपए बढ़ा दिए इसके। देता है अभी कैश ले ले मेरे से। चल ठीक है ले जाओ भाई। बिल है इसका भाई? बिल बिल नहीं है भाई। अगर कल को मेरे पकड़ लिया किसी ने फिर क्या जवाब दूंगा मैं भाई? 7000 में भी तो लेके जा रहे भाई आप।
क्या करूँ भाई, लूँ फोन? ले ला भाई, लग तो भीग ही रहा है इसका। अच्छा, चश्मा भी बेचते हो तुम? भाई इसका क्या, ये इसका क्या रेट बताया था आपने? भाई देख ले, अगर ये 500 में देता मैं ये भी ले जाऊंगा इसके साथ, एप्पल के साथ, और ये रियलमी का भी ले जाऊंगा भाई 250 में। टोटल रेट बताओ भाई सबके कितने दोगे? टोटल रेट भाई, टोटल करते हैं कैलकुलेटर पे, फोन के अंदर खोल के बताओ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हो, चाहे आप 2 देखते हो, 10 लोग देखते हो, 1000 लोग देखते हो, 2000 लोग देखते हो, प्लीज यार हमारे हार्ड वर्क को थोड़ा अप्रिशिएट करा करो, और लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। थैंक यू।